राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन स्वास्थ्य विभाग के सभागार में किया गया। कार्यशाला में उपस्थित चिकित्सा अधिकारियों को पानी में फ्लोराइड से होने वाले नुकसान और उसके बचाव को लेकर जानकारियां दी गई। साथ ही रेबीज रोग टीकाकरण को लेकर भी कई जानकारियां दी गई। लगातार 0.5 ppm से ज्यादा फ्लोराइड की मात्रा वाले पेयजल का सेवन करने से फ्लोरोसिस जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। ये बीमारी आपकी हड्डियों और दांतों के लिए घातक हो सकती है। वर्षा जल को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर वर्ष पर्यंत उपयोग करना इसका प्रचलित और प्राकृतिक बचाव है। फ्लोरोसिस बीमारी को लेकर मंगलवार को जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य भवन सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें बाड़मेर शहर सहित बालोतरा, बायतू और धोरीमन्ना, शिव चौहटन गुड़ामलानी, सिवाना, कल्याणपुर सिंधरी, समधड़ी, रामसर, पाटोदी, गिड़ा, आडेल, सेड़वा सहित विभिन्न खंड और ब्लॉक के साथ जिले भर के डिप्टी CMHO, ब्लॉक CMHO, लैब टेक्नीशियन और सलाहकार शामिल हुए। कार्यशाला स्वास्थ्य विभाग यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुई। चिकित्सा निदेशालय जयपुर से आए राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी जिला संदर्भ व्यक्ति डॉक्टर PC दीपन ने बताया कि गरीब और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे भारतीयों के भोजन में कैल्शियम, विटामिन और आयरन के अभाव के चलते 0.5 ppm से अधिक मात्रा वाले पानी का लगातार सेवन भी फ्लोरोसिस की बीमारी दे सकता है। उन्होंने COVID-19 के चलते रही सुस्त प्रगति को पीछे छोड़ राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण और रोकथाम कार्यक्रम को नए जोश से आगे बढ़ाने का आह्वान किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बाबूलाल बिश्नोई ने बताया कि फ्लोरोसिस की रोकथाम के लिए मात्र स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की बजाय जलदाय विभाग, नगर ग्रामीण निकाय, केमिस्ट और डेंटिस्ट का भी समन्वय आवश्यक है। उन्होंने बाड़मेर के सुदूर ग्राम स्तर तक विभाग को जोर लगाने की हिदायत दी। सभी BCM और CC इंचार्ज को हमने बुलाया है। इसमें हमारा आज कार्यशाला जो है वो आज नेशनल फ्लोरोसिस कंट्रोल प्रोग्राम पे है कि पानी में जो फ्लोराइड जो होता है वो उससे क्या क्या शरीर में इसका इफेक्ट होता है और इससे क्या क्या हानि होती है और इसका क्या बचाव है, कैसे लोगों को हम सेंसिटाइज कर सकते हैं, कैसे उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, इसके लिए हमने ये कार्यशाला रखी है। और लंच के बाद में हमने रखी है रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, क्योंकि डॉग बाइट के केस जो है, कुत्ते काटने के जो केसेज वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो गवर्नमेंट ने इसमें नई गाइडलाइन जारी की है उसके अंदर कि रेबीज अगर किसी के अगर नहीं हो इसको कैसे कंट्रोल करें अपन, ताकि लोगों को टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाए और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल जाए तो उस पेशेंट को अपन रेबीज होने से उसको अपन रोक सकते हैं। ब्लॉक CMHO डॉक्टर सताराम भाखर ने फ्लोरोसिस से बचाव, पहचान और उपचार संबंधी मापदंडों की जानकारी दी। PHED की ओर से शामिल चीफ केमिस्ट द्वारा पानी में फ्लोराइड का स्तर जांच करने के तरीकों पर चर्चा की गई। यूनिसेफ के कारिंदों द्वारा विभिन्न जिलों की डेमोग्राफिक परिस्थितियों अनुसार राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम के संचालन का खाका रखा गया। जिला सलाहकार फ्लोरोसिस ने NPPCF कार्यक्रम में जिले की अब तक की प्रगति से अवगत करवाया गया। कार्यशाला COVID-19 संबंधी प्रोटोकॉल के साथ आयोजित की गई।